हम लोग लौटे न लौटे, ये बक्से लौटे न लौटे, लेकिन हमारी कहानियां जरूर लौटेंगी। एक वीर था इस देश का, जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। वो एक जाबाज था, वो लड़ता रहा, गोलियां खाता रहा, चलाता रहा। आज मैं सुनाऊंगा उसकी कहानी, उसकी वीरता की कहानी, जिसको आज तक ना पढ़ाया गया और ना ही सुनाया गया। गुलाम भारत के पौड़ी के ब्यूरोखाल में साल 1941 के जुलाई महीने की 15 तारीख को गुमान सिंह रावत के घर खिलकारी गूंजी। ये उस वीर की किलकारी थी जिसकी आवाज दहाड़ बनकर बाद में चीन तक पहुंच गई। लेकिन स्कूल में मध्यम दर्जे का छात्र जसवंत सिंह रावत 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने पहुंच गया था। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। सन 1962 भारत के इतिहास में शामिल हुआ एक और महत्वपूर्ण साल। हमें आजाद हुए महज 15 वर्ष ही हुए थे कि तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने हम पर हमला कर दिया। हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, और एक वो था कि बिना युद्ध के मानना ही नहीं चाहते थे। चीन को लगता था कि हम उसके सामने घुटने टेक रहे हैं, पर शायद वो नहीं जानता था भारत माता की कोख में आज तक वीर ही तो पले हैं। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत चीन युद्ध, जिसमें मां भारती के कई वीर कुर्बान हुए। है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल है। चीनी सेना को रोक पाना अब मुश्किल था, मगर ना तो फौत गढ़वाल राइफल के वो जवान रुके, ना ही उनकी बंदूक की गोलियां। अनुमान था कि चीनी सेना सेला पास के रास्ते से भी आगे बढ़ सकती थी। वो सभी जवान एक हौसले के साथ सेला पास की तरफ बढ़े, इस कोशिश में कि वो वहां चीनी सेना को रोक पाएंगे। मगर अंततः उन सबको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक एक इंच भी अपनी जमीन नहीं लेने देगा। वो अकेला ही था उस युद्ध भूमि में जिसने न रुकने की कसमें खाई थी। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल है। माँ, मैं तेरा वो ऊन का गोला हूं जो तेरे हाथ से अब छूट चुका है। वंदे उस ऊन के गोले को जो जितना खींचेगी माँ, वो गोला और सिमटता जाएगा, लेकिन अब तेरे हाथ नहीं आ पाएगा। नहीं रे माँ, उन ऊन के धागों को फिर से सुलझाऊंगी, फिर से गोला बनाऊंगी जब तू आएगा। नहीं आऊंगा माँ, अब नहीं आ पाऊंगा। तेरा बेटा किसी और रास्ते पे निकल पड़ा है माँ। जब कभी भी मेरा नाम आए, फख्र से सिर उठाना माँ, आंसू मत गिराना, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है
जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वो एक जांबाज था जिसने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में। गरीब पिता का बेटा था वो, गरीबी को देखा था उसने, अपने पिता के टपकते पसीने में, मां के फटे कपड़ों में, मां तक को भूल गया था वो अपनी, कभी वापस नहीं लौट के आ पाया अपनों के पास। लेकिन उस वीर सिपाही को हम नहीं जानते जिसने अपनी एक एक सांस लगा दी थी, एक एक सांस गवा दी थी और मौत से गले मिल गया था बिना बोले। शायद अजनबी था। और ऐसे हमारा वो जवान शहीद हो गया। पर क्या एक वीर का ये अंत हो सकता था? नहीं, वो वीर फिर से अपनी उस धरती पर अवतरित हुआ। एक वीर था इस देश का जो लड़ा था कभी हमारे लिए, जिसे लड़ते हुए हमने देखा, गोलियां खाते देखा, गोलियां बरसाते देखा। अब अजनबी नहीं है हमारे लिए वो, इसलिए सुनाना औरों को भी उसकी कहानी और कहना हमारे कल के लिए उसने अपना आज कुर्बान कर दिया बिना बोले। अतुलनीय पराक्रम, असीम वीरता, अमर बलिदान, भारतीय सेनाओं के वीर योद्धाओं और उनके परिवारों का अमर त्याग, ये देश कभी आपका कर्ज चुका नहीं पाएगा।